लाइक वो लोग ने नया घर खरीदा है। मैं अपने डॉगी को भी लेके जाऊंगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज शनिवार है एंड अभी दोपहर के इट्स अराउंड कितना बजा है, या इट्स अराउंड 3:30 एंड जस्ट लुक, मौसम बहुत सुहाना है एंड यूएस में लाइक फुल लॉन्ग वीकेंड है, मंडे तक बंद है। तो हम लोगों को पहले लगा शनिवार को कहा जाया जाए, फिर हम लोगों ने सोचा नहीं शनिवार को थोड़ा घर में ही थोड़ा चिल आउट करते हैं बिकॉज कल हम लोग कहीं पे जा रहे हैं। तो नाउ द टाइम इज 3:30 एंड अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं पे जहाँ पे रैक्स भी जा सकता है एंड देखते हैं यू नो उसको कैसा लाइक कितना टाइम तक हम लोग वहाँ पे रह पाते हैं। तो हम लोगों को लगा चलो फुल फैमिली सब लोग एक साथ मिलके कहीं पे जाते हैं एंड श्रमिक अभी नींद से उठे हैं बिकॉज सैटरडे संडे कुछ भी हो जाए श्रमिक दोपहर को सोएंगे ही सोएंगे। तो चलिए चलते हैं। श्रमिक बुड्ढा है, श्रमिक की बीवी भी बुड्ढी है, दोनों बुड्ढा बुड्ढी है। तो चलिए चलते हैं। तो पहले हम लोग के यहाँ के इंडियन शॉप जा रहे हैं क्योंकि मैंने फ़ोन किया था कि लाइक वो मैंगो लिप्स चाहिए ना पूजा के लिए, क्योंकि अब अगर अभी नहीं खरीदेंगे फिर और नहीं होगा। तो वो लोग के पास है क्या? तो लकीली वो लोग के पास है तो मैं ले लूँगी एंड मुझे पान लिप्स भी चाहिए। तो रैक्स को लेके घूमने हम लोगों का जो बीच है जहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क है वहाँ पे आए हैं बिकॉज वो बीच के ब्रॉडवॉक में ना लाइक बहुतों को उस दिन हम लोग गए थे ना, सिर्फ पहले जब गए थे तब तो हम लोगों के पास डॉगी नहीं था ना, तो इतना और हम लोगों ने कभी भी नोटिस नहीं किया। तो उस दिन जब गए थे ना देन वी सॉ बहुत जन ऐसे डॉगी को लेके ना ऐसा ब्रॉडवॉक लाइक ब्रॉडवॉक वहाँ फ्लड हो गया ऐसी ब्रॉडवॉक पे भी वॉक कर रहे थे। तो ये बीच एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इतना खूबसूरत नहीं है जैसे यूएस में बहुत सारे बीचेस है एंड न्यू जर्सी में बहुत सारे बीच है। लाइक इसमें ना इफ यू कैन सी आप ऐसा लैंड देख सकते हैं एंड अगर मुझे लगता है समुंदर में जाके इफ यू कैन सी द लैंड तो वो मजा नहीं आता है। लाइक ये काम चलाओ बीच है तो हम लोग यहाँ पे बीच पे कभी भी नहीं आते, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वो अम्यूजमेंट पार्क पे आते हैं। तो रैक्स अच्छी तरीके से वॉक कर रहा है। तो ये जगह बहुत खूबसूरत है एंड रैक्स का ना हालत अभी कैसा है, जैसा होता है ना यू नो ए 2 मंथ्स ओल्ड किड या 6 मंथ ओल्ड किड को अगर आप कोई एम्यूजमेंट पार्क में ले जाए तो वो लोग को और क्या पता चलेगा। इसको अभी लाइक घर में ही उसको सबसे ज्यादा पसंद है बट यू नो ही है लाइक उसको तो बाहर का दुनिया भी देखना चाहिए ना। It is so beautiful. You and I, we never show emotions, we just keep it down. ये पोर्शन जैसे कि बहुत खूबसूरत है सी, पर ये पोर्शन बंद है लाइक यू कैन गो हियर शायद बहुत। किसको ऐसा राइड करने में मजा आता है जरूर बताना। और रैक्स को जो करना था ये राइड देख के रैक्स ने कर लिया। अभी इंस्पेक्शन हो रहा है रैक्स ने किया कि नहीं। तो फाइनली घूमना फिरना खत्म एंड रैक्स अभी उतावला हो रहा है क्योंकि घर पहुंच गए ना। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6:30 एंड श्रमिक पहले बोल रहे थे बहुत टाइम रहेंगे, मैंने बोला नहीं नहीं इसको खाना देना है ना, मेनी ऑफ यू टोल्ड कि जल्दी खाना देना चाहिए। तो आजकल अराउंड 6:45
या 7 o'clock में हम लोग उसको खाना दे देते। जब हम लोग एम्यूजमेंट पार्क गए थे तब मैं आप सबसे बोल रही थी कि मुझे बहुत छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, बहुत छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। एंड मेनी ऑफ यू टोल्ड मी द प्लेस ऑल्सो, पर वो ओक ट्री रोड में लाइक हम लोग के यहाँ से 1 hour यू नो इट्स फार अवे, 1 घंटा सिर्फ जाने में लगेगा। एंड होता है ना यू नो जब खाने का मन करता है आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद फिर वो खाने का मन नहीं करता है। तो मुझे लगा छोड़ो यार कब एडिसन जाएंगे एंड ऑल, मैं घर में ही बना लेती हूँ। सो जाने से पहले ना मैं छोले भी मैं भिगो के गई थी एंड बटोरा का डो भी मैंने बना लिया था। तो बहुत दिनों के बाद मैं यू नो भटूरे बना रही हूँ। इसमें प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए आई एम नॉट शेयरिंग द प्रोपोर्शन बिकॉज मुझे भी पता नहीं कि सही होगा कि नहीं। पर मैं ना इसमें सोडा यूज़ करती हूँ, वो बॉटल सोडा रहता है ना वो मैं यूज़ करती हूँ इंस्टेड ऑफ वाटर। एंड दही तो आपको चाहिए ही। तो मैं ना रायको एंड शॉमिक को बोल रही थी तुम लोग को छोले भटूरे खाने हैं, खाना है क्या, मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो शॉमिक वाज लाइक हाँ हाँ बनाओ। एंड रायको ना छोले बहुत पसंद है, मैं एक्चुअली छोले बहुत कम करती हूँ क्योंकि छोले खाने से ना मुझे माइग्रेन है ना एंड मे बी दिस इज हाई प्रोटीन ना तो मेरा सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। पर कोई बात नहीं, थोड़ा हमसे भी मैं आज खाऊंगी। तो पहले अभी मैं छोले को बॉयल करूंगी। तो छोले जब मैं बॉईल कर रही हूँ ना मैंने आलू भी दे दिया है ताकि यू नो ये गल जाएगा। फिर मैंने 2 बड़ी इलायची एंड उसमें मैंने चीज क्लॉथ पे थोड़ा चाय का पत्ता दिया है, थोड़ा सॉल्ट। एंड अभी हम लोग को इसको प्रेशर कुक करना है तो इसको मैं 3 सीटी दूंगी। क्या हुआ किसी, एंड मुझे अचानक से याद आया कि अरे मैंने इंडियन राय ने बंद कर दिया मैंने ट्रंक ओपन किया था, राय ने बंद कर दिया। तो अचानक से मुझे ध्यान आया कि इंडियन शॉप से मैंने खरीदा था सामान वो तो कार में ही रह गया, लेके आती हूँ। फिर अभी का मौसम बहुत सुहाना है। तो ये रहा मैंगो लीव्स एंड ये रहा पान, ये पान वो मैं पूजा में देती हूँ ना तो ये रहा पान। फिर आई गॉट दिस वन ऑल्सो, ये सब हम लोग ना पूजा में देते हैं, इसको क्या बोलते हैं पताशा, पताशा होता है क्या, हम लोग बताशा बोलते हैं, शायद बताशा ही होगा, पताशा ओके जो भी है। उसके बाद मैंने खोया भी खरीदा, एक्चुअली ये नानक का खोया मुझे इतने पसंद नहीं है, वो वदीलाल, हाँ वदीलाल यही है ना, वदीलाल का खोया लास्ट टाइम आई गॉट विच वॉज क्वाइट नाइस। एंड मैगी ये मैं इमरजेंसी के लिए रखती हूँ यू नो, कभी ऐसा होता है कि कुछ बनाने का मन ना करें देन मैगी इज वेरी यूजफुल। ऐसा खाना इतना अच्छा बात नहीं है बट हाँ समटाइम्स मुझे लगता है सभी लोग खाते हैं। कौन ऐसा है जिसने मैगी कभी भी नहीं खाया है कमेंट सेक्शन पे लिखना, देखो सच्ची सच्ची बोलना। तो यहाँ पे मैंने 1 ही अनियंस लिया है एंड 2 टमाटर लिया है तो अभी मैं इसका पेस्ट बना लूंगी। अगर आप चाहें तो अलग अलग लाइक करके पेस्ट बना सकते हैं, मैं एक साथ में ही मैं पेस्ट बना लूंगी। तो फिर मैंने ना चने को बॉयल बिठाया, सॉरी गरम लग गया, फिर मैंने चने को ना थोड़ा बॉयल बिठाया है क्योंकि मुझे ना थोड़ा सॉफ्ट चाहिए। तो ये तो रेडी हो गया एंड बाकी का इंग्रेडिएंट्स आर वेरी सिंपल। एंड हाँ मैं हर वक्त बोलती हूँ पता नहीं मेरे चैनल से मैंने क्या पैसा एंड ऑल अर्न किया है, जो भी अर्न किया है मैं जैसे बोलती हूँ उससे ज्यादा मैं खर्च कर देती हूँ। बट हाँ डेफिनेटली आई हैव अर्नड द लव ऑफ सो मेनी ऑफ यू। तो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड रहती है लाइक नॉर्थ कैरोलिना में, तो शी वेंट टू हंगरी एंड उसने ना ये पेपरी का टेस्ट किया था, दिस इज हंगरियन हॉट पेपरिका। तो आने के बाद ना तो उसको लगा हाँ मैं पायल को भेजती हूँ, यू नो पायल लव स्पाइसेस एंड ऑल। एंड इसका कलर जो है ना वो बहुत लाइक बहुत ही एक सुंदर रेड कलर होता है, तो आज मैं थोड़ा इसमें ऐड करूंगी। पर हाँ ये ना इससे मैं एक स्पेशल डिश बनाऊंगी, तो जब मैं बनाऊंगी तब मैं शेयर करूंगी, मे बी नेक्स्ट वीक। तो उसके साथ ना शी सेंड मी द रेसिपी ऑल्सो कि पायल तुम ये रेसिपी बनाना, तो थैंक यू आशा दी सो मच। मुझे वो ही पसंद है, यू नो वे यू ऑल नो कि मुझे क्या क्या पसंद है एंड स्पेशली आई लव स्पाइसेस, वो लाइक इंडियन जो भी हम लोग करी बनाए ना उसके लिए परफेक्ट है एंड थोड़ा तीखा भी है तो वो मैं देखूंगी। बट हाँ डेफिनेटली आई विल ट्राई दैट रेसिपी क्योंकि वो रेसिपी का कलर जो मैंने यूट्यूब पे देखा ना इतना लाइक रेड था।
तो छोले बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है एंड देखिए सॉफ्ट हो चुका है। तो एक पैन पे मैंने ऑयल लिया है, तो फर्स्ट मैं इसमें थोड़ा जीरा ऐड कर रही हूँ एंड थोड़ा गरम मसाला पाउडर। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हम लोगों ने टमाटर एंड अनियन का पेस्ट बनाया था, तो अभी बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को भूनना है। एंड बटोरा का जो प्रोपोर्शन है ना वो मैंने परफेक्टली शेयर नहीं किया है, बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे प्रोफेशनल चैनल्स हैं, क्योंकि यू नो जब आप बहुत ऐसा कुकिंग करते हैं ना तो आप देखेंगे हम लोग वो होते हैं अंदाजे से ही सब कुछ बना लेते, तो मैं ना ऐसा अंदाजे से ही बनाती हूँ, लाइक इतना परफेक्ट तरीके से मैं नहीं करती हूँ। तो मुझे लगा या जैसे शौमिक मुझे हर वक्त बोलते हैं, अगर शौमिक को कोई रेसिपी देखना होता है ना लाइक वंस इन अ व्हाइल अगर वो कुकिंग करते तो शौमिक हर वक्त बोलते हैं नहीं पायल तुम बहुत एडवांस कुकिंग करती हो, यू नो तुम इतना ज़्यादा कुछ प्रोपोर्शन नहीं बोलती हो, मुझे ऐसा पसंद नहीं, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, यू नो जो लोग 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून बोले। तो अभी बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को भूनना है टमाटर और प्याज को, ताकि तो आप देख सकते हैं कि ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ अनारदाना पाउडर, फिर मैंने थोड़ा रेड चिली पाउडर ऐड किया है, फिर मैं ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 टीस्पून ऑफ जीरा एंड 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर। उसके बाद हम लोग छोले ऐड कर देंगे, थोड़ा ना मैं स्मैश कर रही हूँ तभी टेस्टी लगता है, तो आलू तो फुल्ली स्मैश हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ एंड यार ऐड लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला पाउडर एंड सॉल्ट, एंड यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ा लेमन जूस, फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा चाट मसाला पाउडर। तो यहाँ पे है ग्रीन चिली, फिर यहाँ पे है जिंजर जुलियन, फिर यहाँ पे है हींग, तो अभी ये तीनों को मिला के ना एट द एंड हम लोग तड़का देंगे। अभी मेन चीज है कि बटोरा कैसा बनेगा, चलो जैसा भी बनेगा सब लोग खा लेंगे। फिर कल तो हम लोग को बहुत सुबह सुबह निकलना है, क्योंकि शौमिक के फ्रेंड ना इट्स अराउंड 2 आवर्स एंड एक्चुअली वो लोग बहुत दिन से जब हम लोग कोलोराडो जाने वाले थे ना उससे पहले ही वो लोग बोल रहे थे लाइक क्या करें यू नो 2020 में तो किसी का घर जाना ही नहीं हुआ, एंड मैं बोलती हूँ ना हम लोग का लक ही ऐसा खराब है, हम लोग के फ्रेंड्स एंड ऑल जो भी रहते हैं ना सब लोग ना बहुत दूर दूर रहते हैं तो मिलना ही नहीं होता है। लाइक वो लोग ने नया घर खरीदा है, फिर उनकी एक बेटी है जो राय से 1 साल छोटी है, लाइक यू नो बहुत दोनों बच्चों का ना बहुत अच्छा जमता है, तो हम लोग जब हम लोग मिलते हैं ना तो हम लोग हर वक्त बोलते काश हम लोग यू नो पास में रहते, पर क्या करें यू नो, तो अभी वो लोग का एक बेटा भी हुआ है तो उसको भी देखना नहीं हुआ है। तो हर बार ऑडियंस में से राय को बुलाती हूँ, आज मैंने ऑडियंस में से शमी को बुलाया है। ओह माय गॉड, वाओ, बिकॉज़ घर में सिर्फ 2 ही ऑडियंस है, ऐसा तो 3 है पर एक सिर्फ एक को मैं दूध दे दूंगी तो सबसे पहले वो खा तो लेगा फॉर श्योर, पर उसके बाद पता नहीं। देखो डोंट से दैट सैमन, ऐसा ऐसा एक्सेलेंट, कैसा बहुत सही बात, सही बात, तीखा तीखा और दो क्या, आई हैव ग्रीन चिलीज ना बिकॉज राय खाएगी। तो आज ना बटोरा बटोरे जो भी बोले वो मुझे लगता है इतना अच्छा नहीं हुआ है, बिकॉज बोलते हैं ना आदत जब छूट जाता है तो फिर से आदत आने में टाइम लगता है, क्योंकि जब से ये किचन एड आया है मैं तो हर वक्त यू नो सब कुछ उसी में करती हूँ ना, तो आज बहुत दिनों बाद यू नो मैंने अपने हाथ से किया, बस जो भी हो चल जाएगा, शायद वैसा नहीं हुआ है क्या उसको, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही, ओ शॉपिंग बोल रहा है ऐसा ही हुआ है, थैंक यू थैंक यू। तो ठीक ही हुआ है, पर मैं जैसे बोलती हूँ ना खुद कोई बनाओ तो इतना प्रोसेस इतना लंबा रहता है ना एंड इतना सारा काम करके और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो रेक्स के लिए सब कुछ पैक कर दिया, दिस इज समथिंग ना जो पहले कभी भी लाइफ में नहीं था एंड इट्स वेरी ऑब्वियस राइट, अगर आप किसी के घर में जाएंगे यू कैन से ना मैं अपने डॉगी को भी लेके जाऊंगा एंड रेक्स, तो अभी किसी के घर में बिकॉज वो बहुत नर्वस हो जाता है ना, जैसे आज गए ना फर्स्ट ही वाज लिटिल बिट, फिर वो ठीक हो गया यू नो, एक्चुअली
आज उसको काफी मजा आया ना श्रमिक, ही वॉज एंजॉयिंग, लाइक वो बहुत अच्छी तरीके से वॉक कर रहा था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज संडे है एंड अभी संडे हो या मंडे, हम लोग को हर वक्त सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है, ऐसा भी तो जाना है। एंड हाँ, ये रहा गिफ्ट जो मैंने खरीदा था, क्योंकि नया बच्चा भी हुआ, नया बच्चा क्या, अभी नाउ द किड इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स ओल्ड, हो ही जाएगा ये दिसंबर में, तो मैंने ड्रेस खरीदा है। फिर यू नो वो लोग ने नया घर लिया है, तो मुझे लगा हाँ कुछ तो घर से रिलेटेड लेना चाहिए, तो जो भी हो मैंने ये सब शेयर नहीं किया, तो बट द बैग इज रेडी, मैंने सब कुछ एक साथ में रखा क्योंकि अगर भूल गए तो कैसा होगा। इट इज 8 बजने वाला है, रैक्स तो गया 7 o'clock को ही उठ गया था। बर्तन मैं शॉमी को जब आएंगे मैं बोलूंगी बर्तन निकाल के दे दो। फिर मैंने चिकन मैंने फ्राइडे को बनाया था, थोड़ा ज्यादा बनाया था क्योंकि आज हम लोग को आते आते तो काफी लेट हो जाएगा ना, तो चिकन ऑलरेडी है, मैं वो फ्रिज से बाहर निकाल के चली जाऊंगी, लाइक बनाया हुआ ही है आरटी। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं राइस बना के चली जाओ, यू नो रात को फिर आके और कुछ बनाने का कभी कभी होता है ना, मन नहीं करता है। तो चावल भी मैंने चढ़ा दिया है एंड शॉमिक इज लाइक अरे तुम राइस भी बना के जा रही हो, मैंने बोला नहीं नो टेंशन नहीं रहता, आप देखेंगे आप कहीं पे जाएंगे ना, आप व्हेन यू कम होम आप बहुत टायर्ड हो जाते हैं ना, तो राइस बना हुआ रहेगा तो चलो आके जब भी आए यू नो डिनर करके सो जाएंगे। एंड फिर यहाँ पे चिकन भी है, ये मैंने फ्राइडे रात को ही बनाया था। तो पता नहीं क्यों मैंने आज ये साड़ी पहना है एंड मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है, होता है ना एक आदत चला जाता है ना, जैसे कि अब मैं साड़ी कब पहनती हूँ, व्हेन वी गो टू एनी इंडियन फेस्टिवल एंड ऑल तभी मैं साड़ी पहनती हूँ, ऐसा किसी के घर में आई थिंक सो फर्स्ट टाइम मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ। शामी मुझे देख के हंस रहा है, लाइक क्या हुआ तुमने साड़ी पहन लिया, नहीं अभी ना पहनना नहीं होता है, पता नहीं इस बार दुर्गा पूजा होगा कि नहीं। हम लोगों का जो ये एसोसिएशन था ना, लाइक यू नो जब होता था सरस्वती पूजा होता था, फिर काली पूजा होता था, जहाँ पे यू नो हम लोग लेडीज लोग ही खाना वाना बना के लेके जाते थे, तो वो तो अभी कैसा ही होगा ना बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि बच्चों का तो अभी तक भी वैक्सीन नहीं आया है, तो इस साल भी कुछ भी नहीं होगा, तो सिर्फ दुर्गा पूजा ही है। अभी देखते दुर्गा पूजा क्या होता है, यू नो राय इज इन 8th grade, जा पाएंगे कि या नहीं, या राय को छोड़ के मैं और शॉमिक जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, डेफिनेटली वहां पे तो आई वॉन्ट शूट एंड ऑल ना, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई कि लिटिल बिट में पिक्चर्स एंड कुछ क्लिप में ऐड कर दूं, एंड होपफुली आई एम लुकिंग ओके नाउ। लुकिंग से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लाइक अनेजी नहीं लगना चाहिए, मैं नहीं पहनती हूँ ना ये सब ना अपने मन के अंदर ही है, तो आई फील लिटिल बिट अनेजी। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं एंड 2 घंटा लगा ना, लाइक अभी भी थोड़ा टाइम है, तो हम लोगों को लगा बीच में रुक के ना थोड़ा कॉफी पिया जाए, एंड यही अभी साड़ी पहनने का मुश्किल है से, अभी ना ये ना हम लोग के मन में होता है मे बी, ऐसा किसको और क्या आता है यू नो किसने क्या पहना है, पर अभी ना मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है एंड ये साड़ी ना बहुत ज्यादा चुभ रहा है, लाइक पता नहीं मैंने क्यों पहना आज, मे बी मैं जैसे बोल रही थी ना वो जरी के लिए, तो फुल रास्ते पे चुभ रहा था। हाँ, तो लौटते वक्त यू नो मैं साड़ी चेंज करके लकीली आई गॉट 1 ड्रेस, मैं वो ड्रेस पहन के ही आऊंगी। तो फाइनली पहुंच गए एंड ये दोनों बच्चे ना इतने सालों के बाद यानी 2 साल के बाद मिले, एंड हाँ ये रहा उसका भाई, तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया एंड वो लोग का नया घर इज रियली ब्यूटीफुल एंड खाने में बहुत कुछ उसने बनाया था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था बिकॉज यू नो अगर बच्चा होता है तो बहुत सारा काम रहता है, मेनी ऑफ यू माइट रिमेम्बर हर, तो हम सब ने मिलके बहुत मस्ती किया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो रहा है 10 बजने वाला है एंड कल फिर आके हम लोग इतना टायर्ड हो गए थे ना, फिर मैं ब्लॉग एंड करना ही भूल गई एंड हाँ मैंने बोला था कि मंगलवार को ब्लॉग आएगा, पर मंगलवार को ब्लॉग नहीं आएगा बिकॉज वी आर आई एम रियली टायर्ड, पर कल इतना अच्छा लगा ना एंड स्पेशली दोनों बच्चों ना लाइक
उनकी बेटी जो है ना रायसे साल में एक साल ही छोटी है, तो दोनों का ना बहुत अच्छा लाइक जमता है। ऐसा होता है ना सबके साथ, तो सबका नहीं जमता है ना लाइक फ्रेंडशिप, तो सबके साथ यू कान बी सो क्लोज फ्रेंड ना। तो दोनों बच्चों ने बहुत एंजॉय किया एंड हम लोगों को भी इतना दिनों के बाद ना काफी अच्छा लगा, लाइक सो मेनी थिंग्स हैज चेंज्ड इन देयर लाइफ। बोल के बच्चे हो गए, वो लोग ने एक नया घर लिया है। तो चलिए अभी मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। एंड हाँ, ये मैंने फिर ये वाला ना यहाँ पे ही लगा दिया। एंड हाँ, आप लोग सब बहुत जन बोल रहे थे कि पायल ऐसा इसको ना इससे थोड़ा नीचे में लगाना चाहिए, कोई भी वॉल आर्ट को ना इतना ऊपर में लगाना नहीं चाहिए। पर होता है ना, नेल्स ऑलरेडी हम लोगों ने अभी लाइक किया हुआ ही है, फिर नीचे करना प्रॉब्लम होता है। एंड अभी वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो दूसरा वाला पेंटिंग था वो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। सी इट्स लुकिंग क्वाइट नाइस। तो अभी पेंटिंग देखने में आई थिंक सो दैट इज द राइट प्लेस, क्योंकि बहुत अच्छा धूप भी आता है। तो चलिए विद दिस आई विल एंड। पता नहीं ये शायद 3 दिन से ये व्लॉग चला, पर होपफुली जो जो मैंने वीकेंड पे किया वो सब मैंने दिखाया। तो वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक, एंड मैं आप सबसे मिलूंगी कल विद ए न्यू वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।